नमस्कार दोस्तों, सिलॉक्स के क्लास फोर में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वाली क्लास में हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी, उसके लिए आप क्लास वन टू और थ्री के वीडियोस देख सकते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। दो एग्जांपल आपके सामने, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो बच्चों, और क्विक होने के लिए, और भी ज्यादा फास्ट होने के लिए हमें क्या देखना होता है? अगर आपके पास एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये बात पक्की है, ये बात पक्की है कि हमें इसमें सर्टेन या अनसर्टेन सोचने की जरूरत नहीं होती है। ये स्टेटमेंट हमेशा सर्टेन ही रहता है, क्योंकि या तो हमारे पास के कॉमन होगा या बी या टी। यहां देखने पता लगा कि के कॉमन है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो नो से शुरू हुआ है, और नो से स्टार्ट होने पर दोनों वर्ड की वैल्यू होती है 100। नो से स्टार्ट होने पर दोनों वर्ड की वैल्यू होती है बच्चों 100। अब अगर नो से स्टार्ट होने पर दोनों वर्ड की वैल्यू 100 है, इसका मतलब कि अगर k कॉमन हुआ तो k ही हमारा 100 होके सर्टन कर देगा, और अगर t कॉमन हुआ तो t ही कॉमन होके सर्टन कर देगा। इट मींस कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो हमें कहीं से भी, हमें कभी भी सर्टेन या अनसर्टेन चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ये रिलेशन हमेशा ही सर्टेन रहता है और ये हमेशा सर्टेन नेगेटिव रहता है। अब दूसरी बात, हमें ये पता है कि बी और के में अगर कोई भी कंक्लूजन पूछा जाएगा, बी और के में अगर कोई भी कंक्लूजन पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा। के और टी में अगर कोई भी कंक्लूजन पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव होगा। इसके बाद बचता है बी और टी। तो बच्चों, बी और टी अनकॉमन वर्ड है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि बी और टी अनकॉमन वर्ड है। अनकॉमन वर्ड के लिए हम चेक करते हैं सर्टेन या अनसर्टेन। अनकॉमन वर्ड के लिए हम भाई क्या चेक करते हैं? सर्टेन या अनसर्टेन। तो यहां पर हमने देखा कि बी और टी में टी की वैल्यू 100 है और यहां पर बी की वैल्यू भी 100 है। टी की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू भी 100 है। अगर दोनों ही अनकॉमन वर्ड की वैल्यू बच्चों 100 होती है, अगर दोनों ही अनकॉमन वर्ड की वैल्यू 100 होती है, तो इसका मतलब इसके बीच में जो भी कंक्लूजन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और डेफिनेटली कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन बनाओगे बी और टी के बीच में, वो सही बनेगा, वो कभी गलत नहीं हो सकता। ये हम कब बोलेंगे? जब दोनों अनकॉमन वर्ड की वैल्यू 100 होगी। अगर दोनों अनकॉमन वर्ड की वैल्यू 100 होगी, तो इसके बीच में जो कंक्लूजन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, इसके बीच में जो कंक्लूजन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और साथ ही साथ, और साथ ही साथ बी और टी में जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन बनेंगे वो सारे ही सही माने जाएंगे। जैसे पहला कंक्लूजन आपका बी और टी नेगेटिव है, आप उसको सीधा सही कर सकते हो, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों अनकॉमन वर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट हमारे पास है, कंक्लूजन सर्टेन नेगेटिव बनेगा, और इसमें बी और टी में बी की वैल्यू भी 100 है और टी की वैल्यू भी 100 है। आप सीधा ही बी और टी को कंक्लूजन को सही कर सकते हो। के और बी, भाई के और बी कहां पर है? के और बी हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट में है, और हमने सीखा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता है। नो टी या बी। अगर हम बात करें टी और बी की, भाई टी और बी में फिर क्या था हमारे पास? नेगेटिव सॉर्ट है, और दोनों अनकॉमन की वैल्यू क्या है? 100 है, यानी कि ये हमारा सही है। ऑल टी आर बी, तो टी और बी में क्या बनना चाहिए भाई? नेगेटिव, पर ये पॉजिटिव है, इसलिए हमारा हो गया गलत। यानी इसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन सही है। आते हैं नेक्स्ट पे, ऑल टी आर क्यू, नो टी आर पी, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन हमारे पास है टी और क्यू के बीच में, टी और क्यू के बीच में। तो टी और क्यू भाई क्या है हमारे पास? टी और क्यू। टी और क्यू में हमने देखा कि ये स्टेटमेंट हमारा है पॉजिटिव, यानी कि गलत हो गया। और वैसे अगर मैं ध्यान से देखो इसको, तो हमारे पास फिर से एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें सीधा सीधा हमें क्या चेक करना है कि भाई ये नेगेटिव सर्टेन तो बनेगा ही बनेगा, ये सर्टेन नेगेटिव तो होगा ही होगा, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है यहां पे सर्टेन या अनसर्टेन को। दूसरा, अब यहां पर देखो अनकॉमन वर्ड है हमारे पास क्यू और पी, यहां पर हमारे पास अनकॉमन वर्ड है क्यू और पी,
तो क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 50 है और पी की वैल्यू 100। बच्चों इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में फर्क इतना है कि यहाँ पर दोनों अनकॉमन की वैल्यू थी 100 और यहाँ पर दोनों अनकॉमन में एक की वैल्यू 50, एक की वैल्यू 100। अगर एक की वैल्यू 50 है और दूसरे की वैल्यू 100 है, अगर एक की वैल्यू 50 है और दूसरे की वैल्यू 100 है, इसमें केवल एक ही सही बनेगा, दैट इज क्यू को हमें 50 रखना है, पी को हमें 100 रखना है। तो देखो सम क्यू आर नॉट पी, सम से शुरू हुआ है ये 50 है, ये पी है, यहां पे क्या हो गया 100 हो गया, यानी कि हमारा सही है। इस कंक्लूजन के अलावा क्यू और पी में अगर कोई भी कंक्लूजन बनाते हो तो वो गलत माना जाता है। इस कंक्लूजन के अलावा आप क्यू और पी में कोई भी कंक्लूजन बनाते हो वो गलत माना जाएगा। यहां पर क्यू और पी में लिखा हुआ है नो क्यू और पी, यानी गलत हो गया। सम पी आर नॉट क्यू, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या ध्यान रखना भाई, पी 50 है और क्यू 100 है। यहां पर क्यू की वैल्यू क्या थी, 50 थी, और यहां पर कर दिया गया 100, हम इसको गलत कर देंगे। ऐसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट है हमारे पास, सम के आर पी नो पी आर क्यू। फर्स्ट कंक्लूजन जो हम बनाएंगे, नो के आर क्यू सम पी आर के। भाई पहला कंक्लूजन हमारे पास है क्यू और के बीच में, पहला कंक्लूजन किसके बीच में है भाई, क्यू और के बीच में। तो Q और K में एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, हमें ये पता है कि ये तो डेफिनेटली नेगेटिव सर्टेन बनेगा ही बनेगा, ये पक्की बात है कि नेगेटिव सर्टेन बनेगा। अब यहां पर K की वैल्यू 50, Q की वैल्यू 100, नो से शुरू होने पर दोनों की वैल्यू 100 हो जाती है। यहां पर Q की वैल्यू कितनी हो गई है 100। अब ध्यान से देखो K और Q में एक की वैल्यू 50 है, एक की वैल्यू 100 है, यानी कि सही क्या बनेगा, केवल एक ही सही बनेगा, और सही क्या होगा, सम के आर नॉट क्यू। सही क्या बनेगा भाई, सम के आर नॉट क्यू, यानी सम के आर नॉट क्यू के अलावा अगर कोई भी कंक्लूजन होता है तो सीधा हमारा गलत हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है नो के आर क्यू, के और क्यू में ये वाला बोल ही नहीं सकता। फिर आता है पी और के, पी और के कहां पर भाई, पी और के सिंगल में है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, वैल्यू भी दोनों की ठीक ठीक है, यानी ये कंक्लूजन हमारा हो गया सही। आते हैं एक और एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन है नो क्यू आर एस ऑल पी आर क्यू। कंक्लूजन नंबर वन नो पी आर एस, सेकेंड नो क्यू आर पी। भाई पहला कंक्लूजन है पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में, तो भाई पी और एस के बीच में, पी यहां पर है, एस यहां पर है, ये अनकॉमन वर्ड्स है, पी यहां पर है, एस यहां पर अनकॉमन वर्ड है, पी 100 एस 50, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यानी पक्की बात है ये नेगेटिव सर्टिन तो रहेगा ही रहेगा, नेगेटिव सर्टिन रहेगा ही रहेगा। यहां पर सॉरी यहां पर एस की वैल्यू 100 होगी, दोनों अनकॉमन वर्ड की वैल्यू एस और पी, कंक्लूजन एस पी पूछा गया, दोनों एस और पी की वैल्यू 100 100 है, यानी इसके अंदर जो भी नेगेटिव बनेगा उसको हम सीधा सही कर देंगे, ये नेगेटिव है सही है। नो क्यू और पी, क्यू और पी हमारा पॉजिटिव में है और पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता, यानी ये हो गया गलत। बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑल जेड आर के नो के आर टी, ऑल जेड आर के नो के आर टी। कंक्लूजन नंबर वन नो टी आर के, कंक्लूजन नंबर टू नो टी आर जेड। भाई पहला कंक्लूजन है नो टी आर के, फिर नो टी आर जेड, तो टी और के में जो भी कंक्लूजन पूछा जाएगा, टी और के कहां पर है, सिंगल स्टेटमेंट में ही है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बनना चाहिए, नेगेटिव है सही है। फिर टी और जेड, टी और जेड कहां भाई, टी यहां पर है, जेड यहां पर है, जेड की वैल्यू 100, टी की वैल्यू 100, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव है, इसमें पक्की बात है नेगेटिव तो बनेगा ही बनेगा। अब जेड भी 100 है और
टी भी 100 है, जेड भी 100 है और टी भी 100 है। इसका मतलब कि इस जेड और टी में जो भी नेगेटिव बनाओगे वो डेफिनेटली सही बन जाएगा। नेगेटिव है यानी कि हमारा कंक्लूजन सही हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, भाई भाई गली कुत्ते मानते नहीं बिल्कुल भी। नो के आर पी ऑल पी आर क्यू कंक्लूजन नंबर वन, सम क्यू आर के सम के आर नॉट पी थर्ड, सम क्यू आर नॉट के, तीन कंक्लूजन इसमें पूछे गए हैं। पहला हमारे पास है क्यू और के बीच में, पहला कंक्लूजन किसके बीच में भाई, क्यू और के बीच में। तो क्यू और के में देखो, क्यू और के में अगर हम देखते हैं तो भाई 150, यहां पर दोनों की वैल्यू 100 नहीं है। नेगेटिव तो बनेगा लेकिन दोनों की वैल्यू 100 नहीं है, तो यहां पर केवल एक सही बनेगा, सम क्यू आर नॉट के। तो भाई सम क्यू आर नेगेटिव बनना नहीं, तो वैसे गलत हो गया। दूसरा है के और पी के बीच में, तो के और पी कहां पर है भाई, के और पी यहां पर है। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सही है। सम क्यू आर नॉट के, तो क्यू और के में क्या सही बनेगा, केवल एक ही सही बनेगा। अगर दोनों कॉमन की वैल्यू 100 होती तो जो भी नेगेटिव बनता वो सही बन जाता, लेकिन यहां पर के 100 है पर क्यू 50 है, यहां पर केवल एक सही बनेगा, कौन सा, जो सम से शुरू होकर और नॉट पे के खत्म करते, तो भाई सम क्यू और नॉट के यानी ये सही हो गया। तो यहां पर हमने थोड़ा सा रिवाइज किया है, आज ये छोटी सी एक वीडियो है, कल हम या कल जब भी नई वीडियो आएगी मैं आप लोगों को सिलॉक्स के तीन स्टेटमेंट को रिवाइज करवाऊंगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्लॉक्स क्लास 4 को, इसे या इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। स्लॉक्स 4 में ही हम तीन स्टेटमेंट सीखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को पॉसिबिलिटी केसेस भी करवाऊंगा। बच्चों SBI आने वाला है तो ये SBI के लिए हमने स्टार्ट किया है। टिल SBI मैं आप लोगों के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो इनक्वालिटी हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट हो, चाहे वो कोडिंग कोडिंग नए क्वेश्चंस हो, स्लॉक्स हो, हर तरह के क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली आप लोगों को यहां पर क्लास में ऑनलाइन मेथड पे करवा दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में शेयर लिख सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर डेफिनेटली मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में।